ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमिस पेंट के इस अध्याय में हम सीखेंगे कलर बॉक्स में नए कलर लाना, किसी टूल बार को लाना या हटाना, किसी इमेज को घुमाना, साइज तथा शेप बदलना, किसी इमेज को बैकग्राउंड पर सेट करना। आइए अब सीखते हैं कलर बॉक्स में कोई नया कलर ऐड करना या नया कलर बनाना। मान लीजिए जो कलर आप चूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो जिस जगह पर वो कलर आप लाना चाहते हैं वहाँ पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही एडिट कलर्स का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका पसंदीदा कलर है तो उसे आप सीधे यहाँ चुन सकते हैं। मान लीजिए आप इस रंग का शेड चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और ओके कर दें। देखिए यहाँ पर वो कलर आ गया। पर अगर आप ये कलर नहीं चाहते हैं और आप इसके शेड में थोड़ा अंतर चाहते हैं, इसे थोड़ा डार्क या थोड़ा हल्का चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिफाइन कस्टम कलर्स पर जाएं और उसे क्लिक करें। इस कलर में आप अंतर चाहते हैं, इसके शेड आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो इसे नीचे की तरफ ड्रैग करें, जितना डार्क आप चाहते हैं उतना आपको मिल जाएगा। अगर आप हल्का करना चाहते हैं तो इसे हल्का करते जाएं, और जब आपको अपना पसंदीदा शेड मिल जाए वहाँ पर रोक कर एड टू कस्टम कलर्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करें और ये देखिए इस बॉक्स में आपका मनचाहा कलर आ गया। एमएस पेंट में अभी तक हम सीख चुके हैं अलग अलग टूल्स का कैसे उपयोग किया जाए। पर मान लीजिए अगर किसी कारण से आपकी स्क्रीन पर टूल बार नहीं आता है तो उसे आप कैसे लाएं, कलर बॉक्स नहीं हो तो उसे कैसे लाएं, ये हम अब आपको बताते हैं। इसके लिए आप व्यू पर जाएं। यहाँ देखिए टूल बॉक्स, कलर बॉक्स, स्टेटस बार, टेक्स्ट टूल बार आदि सब दिए हुए हैं और उनके आगे राइट का निशान है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर ये आपकी स्क्रीन पर ना हो तो आप इसको क्लिक करके उसे ला सकते हैं। जैसे हमने अभी टूल बॉक्स पर जैसे ही क्लिक किया यहाँ से टूल बॉक्स गायब हो गया। वापस आप व्यू पर जाएं, देखिए यहाँ राइट का निशान नहीं है, इसका मतलब ये आपकी स्क्रीन पर नहीं है। ऐसे में आप इसे एक बार फिर से क्लिक कर दें और टूल बार आपके सामने आ गया। इसी तरह से अगर कलर बॉक्स आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो कलर बॉक्स पर क्लिक कर दें, आपका कलर बॉक्स यहाँ से गायब हो गया है। वापस लाना चाहते हैं उसे फिर से क्लिक कर दें और वो वापस आ जाएगा। आइए एमएस पेंट में अब हम सीखते हैं कि किस तरह से किसी इमेज को घुमाया जाए या उसका शेप या साइज बदला जाए। इसके लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट टूल को चूज कीजिए, उसके बाद जिस इमेज को आप घुमाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम इस इमेज को घुमाना चाहते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर आप जाइए इमेज पर। इमेज पर सबसे पहला ऑप्शन है फ्लिप या रोटेट का, उसको सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारी जो ड्रॉइंग है वो वर्टिकल है, तो हम चूज करते हैं ऑप्शन फ्लिप वर्टिकल। हमने इसको चूज किया और ओके किया। ये देखिए हमारी जो इमेज थी वो रोटेट हो गई और उल्टी हो गई, अभी अपसाइड डाउन है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। पहले ये ऊपर की तरफ थी, अब ये नीचे की तरफ हो गई। अब अगर हम इसको हॉरिजेंटल फ्लिप करना चाहते हैं तो ये कैसा होगा, इसको देखने के लिए अब हम हमारी दूसरी इमेज को चुनते हैं और हॉरिजेंटल रोटेट करने पर या फ्लिप करने पर इसमें क्या अंतर आएगा ये हम देखते हैं। वापस आप इमेज पे जाइए, फ्लिप रोटेट सिलेक्ट कीजिए और अब हम चुन रहे हैं फ्लिप हॉरिजेंटल, ओके कर दीजिए। और अब ये पूरी पिक्चर यहीं की यहीं पलट गई, पहले ये फूल इस तरफ था और अब ये फूल इस तरफ आ गया है। जबकि आप जब फ्लिप वर्टिकल चूज करते हैं तो ये उल्टी हो जाती है, ऊपर की बजाय नीचे की दिशा में आ जाती है, और फ्लिप हॉरिजेंटल लेने पर वो वहीं की वहीं पलट जाती है। अब अगर आप इसे अलग अलग एंगल पर
रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इमेज पर जाएं, वापस रोटेट चूज़ करें, और अब हमारा है किसी विशेष एंगल पर अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट बाय एंगल चूज़ करें। मान लीजिए 180 एंगल लिया है, इसको ओके किया, तो ये भी आपकी उल्टी हो गई। अब अगर आप और कोई दूसरा एंगल इसमें चूज़ करते हैं, मान लीजिए आपने पहले रोटेट बाय एंगल चूज़ किया और फिर आप 270 डिग्री पर गए हैं, इसको आपने ओके किया, तो ये देखिए इस तरह से पलट गई। आइए अब सीखते हैं इमेजेस का शेप या साइज बदलना। इमेज ऑप्शन पर जाएं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं एक आपके लिए ऑप्शन है स्ट्रेच या स्क्यू, इसे आप सेलेक्ट करें। इसमें आप उसको हॉरिजेंटल स्ट्रेच करना चाहते हैं या वर्टिकल स्ट्रेच करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं। 100% दिया है, अब इसको स्ट्रेच करना है, बढ़ाना है आपको, तो यहाँ मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया 150, हॉरिजेंटल में हमने 150% इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके कीजिए और ये देखिए ये आपकी स्ट्रेच हो गई, फूल गई, बड़ी हो गई, गोल गोल हो गई। अब इस इमेज को अगर हम वर्टिकली स्ट्रेच करते हैं तो कैसी हो जाएगी, ये देखने के लिए हम और वर्टिकल में हम 150 ले लेते हैं, 150% हम इसको वर्टिकली स्ट्रेच करना चाहते हैं। ओके कीजिए और ये देखिए ये जो आपकी पिक्चर है वो वर्टिकली स्ट्रेच हो गई है, तो वो और ज्यादा लंबी हो गई। इसी तरह से अगर आप इसको स्क्यू करना चाहते हैं, स्क्यू करने पर आपकी पिक्चर कैसी हो जाएगी ये भी आप देख सकते हैं। नीचे का ऑप्शन स्क्यू करने के लिए है, स्क्यू करने पर आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल स्क्यू करने पर ये इस तरह से तिरछी हो जाएगी और वर्टिकल स्क्यू करने पर ये किस तरह से इसका शेप बदलेगा ये हम देखते हैं। हॉरिजेंटल में हम कितने डिग्रीज बदलना चाहते हैं यहाँ पर हम डाल दें, बैकग्राउंड की तरह सेट करना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर दें, अभी जो हमारा डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड है वो ये है, आपको हरा भरा मैदान दिख रहा है और अच्छा सुंदर नीला आकाश और उसमें बादल नजर आ रहे हैं, और उसकी जगह अब हम जो हमारी ड्राइंग हमने बनाई है वो सेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, उसके लिए आप फाइल पर जाएं, यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है सेट एज बैकग्राउंड, सेट एज बैकग्राउंड टाइल्ड या सेट एज बैकग्राउंड सेंटर, हम सेट एज बैकग्राउंड सेंटर चुनते हैं और अब हम देखते हैं इसको मिनिमाइज करके, और ये देखिए पूरा आपका डेस्कटॉप पर जो बैकग्राउंड पहले था नीला आकाश हरा भरा मैदान वो चला गया और उसकी जगह ये आपकी पूरी ड्राइंग यहाँ पर सेट हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जिस भी इमेज को या ड्राइंग को आप बैकग्राउंड के रूप में सेट करना चाहते हैं उसके पहले उस ड्राइंग को या उस इमेज को आप फाइल में जा कर के सेव कर लें, जिस तरह से आपको सेव करना पहले बताया गया है। बिना सेव किए आप इस इमेज को या इस ड्राइंग को अपने डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड के रूप में नहीं देख पाएंगे या सेट नहीं कर पाएंगे।